नमस्ते दोस्तों। किसी ने कहा है कि कुछ लोग महानता के लिए जन्म लेते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। जीवन की ऊंचाइयों को इंसान बुलंदी से, कुछ विशेष करने की प्रबल इच्छा शक्ति से ही छूता है। जो किया गया है उससे ऊपर होकर सोचना और अपने सपनों के पीछे दीवानगी की हदों को पार कर बिना रुके भागने से ही इंसान ऊंचाइयों को हासिल करता है। ऊंचाइयों की बात तब होती है जब कोई अपने विचारों और कर्मों से समाज के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ता है। यदि आप दृढ़ता से अपनी सोच में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की ठान लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि आपको अपनी योग्यता और कर्मठता पर विश्वास हो। यह आपका अहंकार या स्वार्थ नहीं, बल्कि आपकी मजबूत और सच्ची इच्छा शक्ति है एक नेक कार्य करने की दिशा में। यह एक बार का प्रयास नहीं होता, बल्कि आपके जीवन की एक आदत बनती चली जाती है। महानता के लक्षण सबों में होते हैं। जिनका उद्देश्य बड़ा होता है, वे दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि ओरिजिनल होते हैं और अपने उन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला रखते हैं, जिन्हें साधारण लोग करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जिनकी सोच जीवन की सामान्य आवश्यकताओं तक ही सीमित होती है। आपको त्याग करने और आलोचनाओं को सहन करने के लिए अपने को तैयार रखना पड़ेगा। बड़े कार्यों को करने के लिए कोई विशेष या सही समय नहीं होता। जब आप अपना बेस्ट वर्जन देने लगते हैं, तो आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। जब आपको अपनी ताकत पर भरोसा होता है और आप विनम्र रहते हैं, तो अपनी क्षमता का एहसास आपको भी होने लगता है और आपके कर्मों में आपका बड़प्पन भी झलकने लगता है। जब आपका दिल बड़ा होता है और आपके व्यवहार में सरलता और सहजता होती है, तो लोग आपको एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में भी देखने लगते हैं। जब आप में एक बड़ी जनसंख्या के मन को प्रभावित करने की क्षमता होती है, तो लोगों के हृदय में आपकी एक विशिष्ट छवि बनने लग जाती है। सिर्फ अपने समय के और अपने से पहले आने वाले लोगों से बेहतर होने का प्रयास करने के बजाय, यह जरूरी है कि आप पहले से बेहतर होने का हमेशा प्रयास करते रहें। बड़ी सोच विचारवान लोगों को ही प्रभावित करती है, लेकिन बड़े कार्य समूची मानवता पर गहरा असर छोड़ते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि आपकी क्षमता आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आपकी उस कर्मठता से मापी जाती है जिसका परिचय आपने अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में दिया है। जब आप बड़े सपने देखते हैं, तो आपकी बातों में जादू होता है जो लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ता है। जब आप अपने जीवन में नई उड़ान भरने का इरादा रखते हैं, तो आप साधारण शर्तों पर समझौता कभी नहीं करते। जब आप बुलंदी से एक नई ऊर्जा से अपने मन की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपके किए गए कार्यों के कारण लोग आपको हृदय से स्वीकार कर आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करने लगते हैं और आपको भी एक आत्मिक संतुष्टि का एहसास होने लगता है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। किसी ने कहा है कि कुछ लोग महानता के लिए जन्म लेते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। जीवन की ऊंचाइयों को इंसान बुलंदी से, कुछ विशेष करने की प्रबल इच्छा शक्ति से ही छूता है। जो किया गया है उससे ऊपर होकर सोचना और अपने सपनों के पीछे दीवानगी की हदों को पार कर बिना रुके भागने से ही इंसान ऊंचाइयों को हासिल करता है। ऊंचाइयों की बात तब होती है जब कोई अपने विचारों और कर्मों से समाज के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ता है। यदि आप दृढ़ता से अपनी सोच में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की ठान लेते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि आपको अपनी योग्यता और कर्मठता पर विश्वास हो। यह आपका अहंकार या स्वार्थ नहीं,
बल्कि आपकी मजबूत और सच्ची इच्छा शक्ति है एक नेक कार्य करने की दिशा में। यह एक बार का प्रयास नहीं होता, बल्कि आपके जीवन की एक आदत बनती चली जाती है। महानता के लक्षण सबों में होते हैं। जिनका उद्देश्य बड़ा होता है, वे दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि ओरिजिनल होते हैं और अपने उन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला रखते हैं, जिन्हें साधारण लोग करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जिनकी सोच जीवन की सामान्य आवश्यकताओं तक ही सीमित होती है। आपको त्याग करने और आलोचनाओं को सहन करने के लिए अपने को तैयार रखना पड़ेगा। बड़े कार्यों को करने के लिए कोई विशेष या सही समय नहीं होता। जब आप अपना बेस्ट वर्जन देने लगते हैं, तो आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। जब आपको अपनी ताकत पर भरोसा होता है और आप विनम्र रहते हैं, तो अपनी क्षमता का एहसास आपको भी होने लगता है और आपके कर्मों में आपका बड़प्पन भी झलकने लगता है। जब आपका दिल बड़ा होता है और आपके व्यवहार में सरलता और सहजता होती है, तो लोग आपको एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में भी देखने लगते हैं। जब आप में एक बड़ी जनसंख्या के मन को प्रभावित करने की क्षमता होती है, तो लोगों के हृदय में आपकी एक विशिष्ट छवि बनने लग जाती है। सिर्फ अपने समय के और अपने से पहले आने वाले लोगों से बेहतर होने का प्रयास करने के बजाय, यह जरूरी है कि आप पहले से बेहतर होने का हमेशा प्रयास करते रहें। बड़ी सोच विचारवान लोगों को ही प्रभावित करती है, लेकिन बड़े कार्य समूची मानवता पर गहरा असर छोड़ते हैं। यह भी समझना जरूरी है।